नाउ द टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ डोनर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या डोनर क्या होना चाहिए, कौन सा डोनर सिलेक्ट हम करते हैं फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो ये डोनर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी हेल्दी, ये हेल्दी पर्सन होना चाहिए और इसकी एज ग्रुप होनी चाहिए 18 to 60 ईयर्स, नॉट मोर देन 16 ईयर्स एंड नॉट लेस देन 18 ईयर्स, ऑफ एदर सेक्स, एदर इट इज़ मेल और फीमेल। दूसरा पॉइंट जो है इसका, द एच बी कंटेंट ऑफ द डोनर शुड बी मोर देन 13 ग्राम्स। 13 ग्राम्स से जो एच बी कंटेंट है, 13 ग्राम से ज़्यादा रहना चाहिए हीमोग्लोबिन कंटेंट। और जो फीमेल की बात अगर हम करें, अगर फीमेल डोनर है तो उसका एच बी कंटेंट 12 ग्राम तक भी चलेगा। या हम कह सकते हैं जो पर्सन है, जिसका हम कह सकते हैं जो कि मतलब एक आदमी जो है, एक पर्सन है, वो 2 से 3 टाइम तक ये डोनेट कर सकता है एक साल में। 2 या 3 टाइम से ज़्यादा नहीं, 2 या 3 बार दे सकता है वो ब्लड डोनेट कर सकता है एक साल में। तो 3 से ज़्यादा डोनेशन नहीं कर सकता। जो डोनर की बात हम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द डोनर शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द कॉम्युनिकेबल डिजीजेस। अगर डोनर है, देखा जाए जो उसका ब्लड है, या हम कह सकते हैं जो वो डोनर खुद है, जो उसका ब्लड है, बिल्कुल इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, अनइन्फेक्टेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम ऑल द कम्युनिकेबल डिजीजेज लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, एड्स, वी कैन से ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया। अगर पेशेंट में ये सब चीज़ें देखी जाएंगी या ये सब बीमारियां उसमें देखी जाएंगी, इन्वेस्ट की जाएंगी, देन द डोनर इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो हमारे लिए डोनर एप्लीकेबल नहीं है, हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इफ़ द डोनर शो सम कम्युनिकेबल डिजीज़, अगर डोनर में ऐसी कोई डिजीज़ है, हेपेटाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, एचआईवी है, मलेरिया है, तो इनका जो ब्लड है या ये जो ब्लड डोनेशन दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट टू बी एक्सेप्टेड और दैट इज़ नॉट टू बी एप्लीकेबल। अगर हम बात करेंगे ब्लड सिलेक्शन की फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द ब्लड शुड बी स्क्रीन्ड फर्स्ट। द ब्लड शुड बी स्क्रीन्ड, जो कि हम ब्लड ले रहे हैं, जो कि ब्लड सेलेक्ट हो रहा है फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दैट शुड बी स्क्रीन्ड फॉर दीज डिजीज़ बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। स्क्रीनिंग की जाती है, प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें हम देखते हैं दैट द ब्लड इज़ फ्री फ्रॉम दीज डिजीज़, वी कैन गो फॉर द ब्लड सिलेक्शन। अगर देखा जाए तो दूसरी बात ये भी हम देखते हैं, वेन देयर इज़ हाइपर टेंसिव पेशेंट, when there is hypertensive donor, that are always at the higher risk. अगर hypertensive donor है, उनमें ज़्यादा risk रहता है, उनमें ज़्यादा खतरा रहता है अगर वो donation के लिए जाते हैं। इसीलिए before the donation, before the blood is to be donated, the BP of the hypertensive donor should be controlled in the normal range. अगर hypertensive patient है, hypertensive donor है, जो कि blood donate करने जा रहा है, जिसकी history हो hypertension की, तो इस चीज़ को हम पहले देखेंगे, इस चीज़ को हम पहले नॉर्मल रेंज तक लाएंगे, ताकि इसका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए, तब जाके वो ब्लड डोनेट कर सकता है। और वी कैन से आफ्टर द ब्लड डोनेशन द हाइपरटेंसिव डोनर्स शुड बी मोनिटर्ड फॉर हाफ एन आवर। अगर डोनेशन दिया भी, तो डोनेशन के बाद भी हम इनको एक आधा घंटा से 1 घंटा तक हम इनको मॉनिटर में रखते हैं, वी मॉनिटर द पेशेंट, हम उसको मॉनिटर करते हैं फॉर सम टाइम। द डोनर शुड बी गिवन लाइट डाइट बिफोर 2 आवर्स। 2 आवर्स बिफोर द डोनेशन द डोनर शुड बी गिवन अ लाइट डाइट। डोनर को लाइट डाइट दिया जाता है, और उसके बाद आफ्टर द ब्लड डोनेशन द डोनर डोनर इज एडवाइज टू टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट्स। अब जब डोनर ये ब्लड डोनेट कर रहा है, अब उसने किया, उसके बाद हम उसको 30 मिनट्स के लिए ये कहा जाता है कि वो रेस्ट ले, वो थोड़ा सा रेस्ट में रहे, ताकि ये इसमें क्या चांसेस हो सकते हैं, देयर कैन बी द चांस ऑफ रिस्क ऑफ फेंटिंग। पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, फेंट हो सकता है, इसमें थोड़ी सी हम कह सकते हैं टायर्डनेस आ सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा मेंटेन रखने के लिए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, वी कैन से दैट द पेशेंट इज़ टू बी दैट द डोनर इज़ टू बी एडवाइज टू टेक द रेस्ट फॉर 30 मिनट्स।
तो इसके बावजूद क्या देखा जाता है, इन एडिशन टू दिस डोनर लाइट डाइट इज़ टू बी प्रेफर्ड आफ्टर द 10 मिनट्स। इन एडिशन टू दिस डोनर छोटा सा मतलब कम लाइट डाइट दिया जाता है आफ्टर 10 मिनट्स आफ्टर द ब्लड डोनेशन। डोनेशन अगर उसने दिया है, ब्लड डोनेट किया है, अब 10 मिनट के बाद हमें रुकना है, वी हैव टू वेट फॉर 10 मिनट्स। आफ्टर द 10 मिनट्स वी गिव द लाइट डाइट टू द डोनर। उसको हेवी डाइट नहीं देना है कि अब इसने ब्लड दिया है, डोनेट किया है, अब इसमें अब इसको हम एक साथ ही बोलेंगे खाने के लिए, एक साथ हम इसको वो भी देंगे ये भी देंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हमें इसको लाइट डाइट देना है आफ्टर द 10 मिनट्स ऑफ द डोनेशन। द ब्लड डोनेशन शुड बी कैरीड आउट एसेप्टिकली। एसेप्टिकली मीन्स हम बिल्कुल स्टराइल कंडीशंस में हम जो ये डोनेट करते हैं, ब्लड करते हैं, या हम कह सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक हम जो करते हैं, इट शुड बी डन इन अ स्टराइल मैनर वी कैन से। एंड द डोनर शुड बी कैप्ट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। कंफर्टेबल पोजिशन दी जाती है इस डोनर को बिफोर गिविंग द बिफोर डोनेटिंग। इसको एक अच्छी सी कंफर्टेबल स्पाइन पोजिशन हम देते हैं इसको, या हम इसको कंफर्टेबल पोजिशन इस मैनर में दे सकते हैं जिस हिसाब से हमारा डोनर कंफर्टेबल है। थ्रू दैट कंडीशन, या इसकी जो लाइन है उसको बिल्कुल पेटेंट रखना है, इसकी जो लाइन लगी हुई है उसको बिल्कुल कंफर्टेबली या अच्छे से उसको हमें साइड में रखना है ताकि उसमें कोई पुल आउट ना हो। उस हिसाब से हमें ये सब मेंटेन करके रखना है। उसके बाद हम डोनर को एक्सेप्ट करते हैं फॉर गिविंग द ब्लड डोनेशन। दीज वेयर द रूल्स, दीज वेयर द कंडीशंस थ्रू विच वी कैन सेलेक्ट द डोनर। डोनर को किस हिसाब से हमें सेलेक्ट करना है, ये सारे रूल्स थे जिस हिसाब से हम डोनर को सेलेक्ट करते हैं फॉर गिविंग द ब्लड।